चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, दो दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो मध्य प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान जो है कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम आवास का वितरण करेंगे हितग्राहियों को और फिलहाल अभी भोपाल पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही कार्यक्रम भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहने वाला है तो उसमें शामिल भी होंगे, हितग्राहियों को पीएम आवास का वितरण करेंगे। तो भोपाल से खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, दो दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो दिवसीय दौरा है और इस दौरान खास बात यह कि दिग्गी के गढ़ में हुंकार भरेंगे, राघोगढ़ में जाएंगे, उनका दौरा है। पीएम आवास के हितग्राहियों को पीएम आवास का वितरण करेंगे। तो कई कार्यक्रम हैं रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के, जिसके लिए वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है। खास बात सबसे ये कि दिग्गी का गढ़ में हुंकार भरने वाले हैं वो, और उससे पहले जब राजधानी भोपाल पहुंचे हैं तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे, दो दिवसीय दौरा है, इस दौरान उनके कई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भोपाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बिल्कुल पूनम, देखिए जोरदार स्वागत तो किया ही गया है, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कई सरकारी काम भी रहेंगे और जिस तरीके से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी वो अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं, लेकिन दो दिवसीय दौरे पर हैं तो इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात तो करेंगे। जो कई कार्यक्रम भी हैं जो उनके आयोजित किए गए हैं, राघोगढ़ की अगर बात करें तो राघोगढ़ में पीएम आवास का वितरण करेंगे, तो साथ ही साथ धीरेन्द्र सिंह को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें उनके पूरे कार्यक्रमों की तो 12 बजे राघोगढ़ पहुंचेंगे और लगभग एक घंटे के कार्यक्रम के बाद वहां से गुना के लिए रवाना होंगे, फिर गुना में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके बाद फिर 4 बजे शिवपुरी में कार्यक्रम रखे गए हैं, तो कार्यक्रम तो वहां के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर ग्वालियर रवाना होंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक जो सांसद रहे हैं, उनके परिवार के जो उनके पूर्वज हैं वो भी सांसद रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादातर कोशिश उनकी यही है कि दो दिनों तक वहाँ के जो मतदाता हैं या फिर ये कहें उनके कार्यकर्ता हैं तो उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और जिन चीजों को वो समाधानित कर सकते हैं तो वो उनको भी करेंगे। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का बखान भी किया जाए, उपलब्धियां भी गिनाई जाए और आगामी समय में इसके लिए कहीं ना कहीं आधार भी तैयार किया जाए। बिल्कुल दुष्यंत जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दो दिवसीय दौरे के दौरान खास तौर से फोकस जो है वो संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी पर रहने वाला है। तो आज फिलहाल जब भोपाल पहुंचे, इसके बाद राघोगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम है और साथ ही हीरेंद्र सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे, साथ ही एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इसके बाद गुना के लिए रवाना होंगे। गुना में कार्यक्रम है, शिवपुरी में कार्यक्रम है और साथ ही मतदाताओं से भी मुलाकात करेंगे, उनकी जो समस्याएं उनका भी निराकरण करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए बने रहिए नाती टीवी के साथ। नमस्कार।